Hello students, I am Himadri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is standard heat of formation या फिर इसे हम कह सकते हैं standard enthalpy of formation। हिंदी में इसे कहा जाता है मानक संभवन ऊष्मा या फिर मानक enthalpy ऊष्मा। तो ये होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। किसी पदार्थ के एक मोल मॉलिक्यूल के अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनने की क्रिया में एब्जॉर्ब और एमिटेड हीट फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी कहलाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, सपोज ए प्लस बी, ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट है जो आपस में केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं सी प्लस डी। तो जब ये केमिकल रिएक्शन कराई जाती है तो इस कंप्लीट केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ ऊष्मा जो होती है वो या तो एब्जॉर्ब्ड होती है या फिर एमिट होती है। तो जो ऊष्मा एब्जॉर्ब्ड या एमिट होती है उसी को क्या कहा जाता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है, जिसे हिंदी में संभवन की ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ स्टैंडर्ड स्टेट। अब स्टैंडर्ड स्टेट किसे कहा जाएगा, जब हम कोई केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, कि वो उसका प्रेशर कितना हो, 1 एटमॉस्फेरिक हो और टेम्परेचर कितना हो, 298 केल्विन हो। मींस जब हम ये केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक की होनी चाहिए और टेम्परेचर जो है वो 298 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, तो उसी कंडीशन में जो केमिकल रिएक्शन कराई जाती है उसी को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन या फिर स्टैंडर्ड हीट ऑफ एंथैल्पी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक की प्रेशर और टेम्परेचर 298 केल्विन। ठीक है, अब ये जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड हीट ऑफ एंथैल्पी होती है उसे हम डेल एच नॉट एफ से शो करते हैं। ठीक है, एफ जो है वो फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी को डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है। एग्जांपल में देखिए कार्बन है जो कि ग्रेफाइट फॉर्म में प्रेजेंट है, जब ये ऑक्सीजन के साथ जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, जब ये दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस कंप्लीट रिएक्शन के दौरान जो उसकी एंथैल्पी होती है वो कितनी होती है, -94.05 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला यूज़ किया गया है, डेल एच नॉट इज इक्वल टू एच नॉट सी ओ टू प्लस एच नॉट सी प्लस एच नॉट सी ओ टू। मतलब डेल एच नॉट एंथैल्पी परिवर्तन, हमने एक फार्मूला देखा था एंथैल्पी परिवर्तन जो होती है वो किसके बीच होती है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट के बीच होती है। ठीक है, इन दोनों का योग ही क्या कहलाता है, एंथैल्पी परिवर्तन। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट क्या है, सी ओ टू, और रिएक्टेंट क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, जो सी ओ टू का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इन स्टैंडर्ड स्टेट हम जानते हैं एंथैल्पी क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, एच नॉट सी प्लस एच नॉट ओ टू इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एच नॉट इज इक्वल टू एच नॉट सी ओ टू। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ सी ओ टू। जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की जो वैल्यू होगी वो एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ हीट ऑफ सी ओ टू इज क्या हो जाएगा, डेल एच एफ नॉट सी ओ टू इज इक्वल टू एच नॉट सी ओ टू। चूँकि हम जान रहे हैं दोनों क्या इक्वल है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एंथैल्पी वैल्यू -94.05 किलो कैलोरी। अब यहाँ देखिए मैंने एक यहाँ पे चार्ट ड्रॉ किया है कंपाउंड, और उस कंपाउंड की स्टैंडर्ड ऑफ एंथैल्पी वैल्यू, जैसे कि देखिए यहाँ पर वाटर है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसका एंथैल्पी वैल्यू कितना है, -68.32। अमोनिया जो कि गैसेस फॉर्म में पाया जाता है, इसका एंथैल्पी वैल्यू -11.03। HCl जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया, गैस फॉर्म में पाया जाता है, उसका एंथैल्पी वैल्यू कितना है, -22.06। यहाँ पे CO2 जो गैसियस फॉर्म में, इसका एंथैल्पी वैल्यू -94.05।
एसओ टू जो गैसियस फॉर्म है उसका एंथैल्पी वैल्यू -17.0। सेम एस इट इज़ यहाँ पे और भी बहुत सारे कंपाउंड है जिनके एंथैल्पी वैल्यूज यहाँ पे दिए गए हैं। ये जो एंथैल्पी वैल्यू है कुछ नेगेटिव होते हैं और कुछ पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या दिया है, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले कंपाउंड की मानक संभवन एंथैल्पी के मान के ज्ञात होने पर उस रिएक्शन की मानक अभिक्रिया ऊष्मा का परिकलन किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि यदि हमें उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी पता है तो इस स्टैंडर्ड एंथैल्पी के थ्रू हम उसके द्वारा एब्जॉर्ब्ड या एमिटेड हीट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज मानते हैं ए और बी रिएक्टेंट है जो कि रिएक्शन के दौरान सी एंड डी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल एच नॉट इज इक्वल टू एच सी नॉट प्लस एच डी नॉट माइनस एच ए नॉट प्लस एच बी नॉट। मतलब क्या हुआ, डेल एच इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, जब हम इसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी में पुट अप करेंगे तो क्या, देन जब हम इसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी में चेंज करेंगे तो डेल एच एफ नॉट सी प्लस डेल एच एफ नॉट डी माइनस डेल एच एफ नॉट ए प्लस डेल एच एफ नॉट बी। ठीक है, या फिर इसे हम इन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, समेशन डेल एच एफ नॉट प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल एच एफ नॉट रिएक्टेंट। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन के स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।